थाना गोविंद नगर में सीओ सिटी व सिटी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। मथुरा के गोविंद नगर थाने में आगामी त्योहारों को लेकर समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अगुवाई कर रहे सिटी मजिस्ट्रेट जवाहरलाल श्रीवास्तव, सीओ सिटी वरुण कुमार व थाना अध्यक्ष एमपी चतुर्वेदी। सीओ सिटी वरुण कुमार ने सभी स्थानीयों को दिशा निर्देश दिए कि ईद वाले दिन किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन द्वारा सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जल निगम द्वारा पानी की सुविधा, नगर निगम सफाई कर्मचारी, साथ ही तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 50 लोगों को अनुमति रहेगी, कोई भी गाइडलाइंस का उल्लंघन करता मिला तो उसके खिलाफ महामारी एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। दौरान भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। अंकुश वर्मा, मथुरा, समाचार 24। सर दो मिनट जी सर बताएं आज की कमेटी। ये देखिए, थाना गोविंद नगर में आगामी ईद उल जुहा जो बकरीद का त्यौहार है, जो 21 तारीख को मनाया जाना है, उसके उपलक्ष्य में आज पीस कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी समुदायों से जितने संभ्रांत व्यक्ति हैं वो आज थाने गोविंद नगर पर उपस्थित हुए। नगर मजिस्ट्रेट उपस्थित थे और थाना प्रभारी गोविंद नगर भी उपस्थित थे। हम लोगों ने सबको एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोगों ने बातचीत करी। नगर निगम की टीम भी यहाँ उपस्थित थी, जो साफ सफाई और वहाँ बैरिकेटिंग इत्यादि की जो व्यवस्थाएँ हैं, पानी की व्यवस्थाएँ हैं, वो नगर निगम के द्वारा की जाएगी। पुलिस बल जो भी जहाँ जहाँ नमाज अदा किए जाएंगे, उन सभी स्थानों पर पुलिस की ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी और ये इंश्योर किया जाएगा कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न होगा। सर, नवाज स्थल पर कितने लोगों की अनुमति दी गई? अभी इसमें जो नवीन शासनादेश है, उसमें सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने बताया है कि एक स्थान पर अधिकतम 50 लोगों के एकत्रित होने की अनुमति है, तो उसी के अनुरूप हम लोगों ने इन सब लोगों को इंश्योर कराया है कि नमाज वाले दिन भी जो नवीन शासनादेश के तहत जो कोविड गाइडलाइन है उसका 100% अनुपालन सुनिश्चित है। सर बताएं, जो आज गोविंद नगर थाने पे पीस मीटिंग जो रखी गई थी, किस उपलक्ष्य में रखी गई थी और क्या आगामी त्योहारों की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं? बकराईद का जो त्यौहार आ रहा है, इसके दृष्टिगत ये जो है आज पीस कमेटी की बैठक की गई है यहाँ पे, और इसमें विभिन्न समुदाय के लोग भी इकट्ठा थे और जो भी सरकार के निर्देश हैं वो निर्देश इनको बताए गए हैं कि किस इस तरीके से ये त्यौहार मनाया जाना है, प्रोटोकॉल का गाइड फॉलो करते हुए, इसलिए बुलाइए। सर, जैसे कुछ लोगों का गाइड जो गाइडलाइंस आपने जो निकाली हैं उसके आधार पर उन्होंने जो नहीं किया, उसके लिए प्रशासन ने क्या तैयारियां कर रखी? उसके लिए हमारी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, पुलिस को पूरी तरह से दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, और जरा सी भी उस गाइडलाइन के इतर कोई काम होता है तो हमारे पास सख्त कार्रवाई करने का आधार है और मैं सख्त कार्रवाई करूंगा। जैसा कि आज पता पड़ा था, डीके चौकी के अंतर्गत कुछ समुदाय के लोगों ने बताया गया था कि 4 गायों को कटते हुए देखा गया, और जब तक वह पुलिस प्रशासन आपका पहुंचा तब तक वो पूरी सफाई कर दी गई थी, वहां कुछ नहीं मिला उनको, तो सर ऐसे नहीं? तो अगर इस टाइप की, मेरे पास तो फिलहाल इसकी कोई शिकायत अभी आई नहीं है, किसी ने मुझसे ये शिकायत की नहीं है, अगर इस टाइप की कोई बात आती है तो कार्रवाई सख्त से सख्त होगी और जो भी हम कर सकते हैं नियम कानून के अंतर्गत सारी कार्रवाई मैं करूंगा। जी, जो आज पीस मीटिंग रखी गई गोविंद नगर थाने पे, वो किस उपलक्ष्य में और किस लिए आज ये पीस कमेटी की मीटिंग थाना गोविंद नगर सीओ साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब और कोतवाल साहब ने ली थी, सफाई, बिजली, पानी, कुर्बानी के बारे में, शेष जो निकलते हैं बाकी के जो कुर्बानी के हुए कचरा, जिसको हम कचरा बोलते हैं, वो कचरा कहीं इधर बदल ना जाए, खून नालियों में नहीं बहे, ये हमारा जो जैसे कि मतलब तो हम बताते उसको कि कुर्बानी तो हमने उन्हें बताया, बड़े शांतिपूर्वक हुई कि 50 की गाइडलाइन जो नमाज की जो कही गई है, 50 की जो मस्जिदों में नमाज होगी वो 50 आदमी पढ़ेंगे, और कुर्बानी जो होगी 8 बजे से 9 बजे तक वो कुर्बानी होगी, और जिसमें के कुर्बानी का शेष बड़े अदब के साथ और ढक के कुर्बानी होगी।